अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल कैन आई हेल्प यू ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल के माध्यम से सातवां आयोग की वेतन निश्चिति कैसे करेंगे, तो फिलहाल तो मैंने इसके बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज अगर ऐसा कोई शिक्षक है जिसे 1 जनवरी 2016 या उसके बाद वरिष्ठ वेतन लगी है, मीन्स 12 साल की जो सेवा होती है उसे हम वरिष्ठ वेतन कहते हैं, तो अगर किसी भी शिक्षक की 1 जनवरी 2016 से लेके 30 जून 2016 के बीच में वरिष्ठ वेतन लगी है तो हम उसकी वेतन निश्चिति कैसे करेंगे, तो आइए हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी वेतन निश्चिति की फाइल है हम उसे ओपन कर लेंगे। तो यह एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है एक्सेल का, आप इसमें कुछ डाटा फिल करेंगे तो वो सभी डाटा जो है वो अपने आप यहाँ पर जो भी नेक्स्ट पेज है उसमें फिल होते जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर नेम ऑफ द ऑफिस, तो यहाँ पर हम अपने ऑफिस का नाम लिख लेंगे। तो जैसा कि ये फॉर्म मराठी या इंग्लिश में, आप दोनों में से किसी एक में भी फिल कर सकते हो, तो हम यहाँ पर मराठी में फिल करते हैं इसे। तो हम यहाँ पर गूगल फॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखा और यहाँ पर जिस एम्प्लॉय का हम वेतन निश्चिति कर रहे हैं हम उसका नाम लिखेंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर उसका जो पद है 1 जनवरी 2016 को जिस पद पर वह काम कर रहा है तो वो यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फिल नहीं करना है, यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन का मेन्यू बना के रखा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी सारे ऑप्शन है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, लिपिक, कनिष्क लिपिक, जो भी है। तो जैसा कि यह एक उप शिक्षक है तो हम यहाँ पर उप शिक्षक पे क्लिक करेंगे और वह सेवा में कायम है कि हंगामी है, तो हम यहाँ पर उसे भी सिलेक्ट करेंगे। तो कायम, हंगामी, पर्यवेक्षक, कालावधि, शिक्षण सेवक, जो भी होगा, तो यह एम्प्लॉय सेवा में कायम है, हम यहाँ पर कायम पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि असुधारित वेतन संरचना। असुधारित का मतलब है कि सातवां आयोग के पहले आपकी जो पे स्केल है वो कौन सी थी, मीन्स आप PB1, PB2, PB3 किसमें आते हो और उसको कौन सा ग्रेड पे लागू है, तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे कि ड्रॉप डाउन का मेन्यू दिया गया है। तो जैसा कि यह शिक्षक पहले PB1 में आता था तो इसे 2800 की ग्रेड पे लागू थी, तो हम यहाँ पर PB1 पे क्लिक करके 2800 की जो ग्रेड पे है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। और 1/1/2016 को उसका पेमेंट कितना था, तो हम यहाँ पर उसका पेमेंट था 1/1/16 को, 1/1/16 को उसका पेमेंट था 15,000 और ग्रेड पे था 2800। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो भी टोटल है वो ऑटोमेटिक आ गई, ये आपकी बेसिक हो गई 1/1/2016 की। अब उस पर आपको 125% महंगाई भत्ता मिल गया, वो ऑटोमेटिक आ गया, ये इन दोनों का टोटल हो गया वो भी ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर जो बेसिक है यहाँ पर भी आपको कॉलम नंबर 6 में वही लिखना है जो 1 जनवरी 2016 की आपकी जो बेसिक थी, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गई, आपको कुछ फिल करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अनुक्रमांक 4 एथिल असुधारित वेतन संरचना, तो आपको जो ये सीरियल नंबर 4 है सातवां आयोग में, इसके ऊपर से आपको कौन सा पे स्केल लागू होता है, तो जैसा कि इसे 2800 का पे स्केल लागू है, सॉरी इसे 2800 का ग्रेड पे लागू है, तो यहाँ पर हम 22 फरवरी का GR ओपन करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए 22 फरवरी का GR है, यहाँ पर दोनों स्केल दी हुई है, पांचवा आयोग की भी, छठा आयोग की भी और सातवां आयोग की भी। ये देखिए यहाँ पर यह छठा आयोग की पे स्केल है और उसका ग्रेड पे, और इसको कौन सा सातवां वेतन आयोग में स्केल लागू है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर से जाके देख सकते हैं। तो जैसा कि SSC DET तो 2800 सहायक शिक्षक का, तो यहाँ पर S10 है उसे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और S10 पे सिलेक्ट करेंगे, S10 आ गया।
अब उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हमारा ये बेसिक है 1/1/2016 का, तो और यहाँ पर क्या भरेंगे इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो देखेंगे कि कॉलम नंबर 8 है वो, वहां पर जो अनुक्रमांक 6 एथिल मुरवेतना से 2.57 ने गुड़ून येणारी रकम, तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको जो यहाँ पर 1/1/2016 का बेसिक है उसे 2.57 से इंटू करना है और जो भी आएगा आपका ये फिगर हो जाएगा और यहाँ पर उसे राउंड ऑफ करना है। मीन्स अगर 46.5 आता तो आप इसे यहाँ पर 47 लेते थे, 4 5 7 4 7 ऐसा, ओके। और उसके बाद में यहाँ पर आ जाइए कि यहाँ पर सीरियल नंबर 10 पे आ जाइए कि रिवाइज्ड बेसिक पे एज पर सीरियल नंबर 9। तो यहाँ पर देखेंगे कि उसका रिवाइज बेसिक क्या है, इसके आधार पर ये आपका बेसिक नहीं होगा 1/1/2016 का। आपका बेसिक क्या होगा, अब आपका बेसिक आपको सर्च करने के लिए आपको जाना होगा मैट्रिक्स टेबल पे। अगर आपको चाहिए तो इन दोनों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैट्रिक्स टेबल में आ जाएंगे और यहाँ पर 2800 के S10 में आएंगे। तो यहाँ पर 2800 ग्रेड पे है, देखिए PB1 2800। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी 2.57 से इंटू करने के बाद कितना आता है, तो यहाँ पर है 45,746। तो यहाँ पर हम वो फिगर सर्च करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि उससे कम का फिगर है 45,400। तो हमें कम का फिगर नहीं लेना है, हमें उससे ज्यादा का फिगर लेना है आगे वाला। तो यहाँ पर क्या था, 45,746, ओके। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला फिगर लेंगे 46,800, ओके। और ये किस लेवल पे आता है, 17। आप ध्यान दीजिए इस बात को, यहाँ पर 17 के लेवल पे 46,800 रुपीज आता है, तो हम यहाँ पर उसे ले लेंगे 46,800, ओके। अब ये किस लेवल पे आया आपको मैंने बताया, यहाँ पर 17 पे ना, तो हमारा जो पहले का बकाया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक करके ड्रॉप डाउन मेनू पे जाके 17 नंबर पे क्लिक करेंगे, ये लेवल 17 का जो ये फिगर है, अब हम इसे सेव कर देंगे। तो ये फर्स्ट पेज तो हो गया आपका भर के, और आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर कुछ फिगर जो है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, ओके। अब हम उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज पे आ जाएंगे, और सेकंड पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो 14 नंबर का कॉलम है उसे हम नीली रखना है हमें, और जो 15 नंबर का भी कॉलम है वो भी हमें नीली रखना है। मीन्स निरंक, आपको या तो आप इंग्लिश में या तो मराठी में आप लिख दीजिए निरंक या नील। अब उसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये कॉलम नंबर 16 पे सुधारित वेतन, तो सुधारित वेतन का मतलब है कि सातवां आयोग की आपकी 1 जनवरी 2016 की जो पहली बेसिक है वह, तो यहाँ पर 46,800 लिखा है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस पेज पर से यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये सब आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। और 1 जनवरी 2016 को जो महंगाई भत्ता था वो शून्य था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शून्य आ जाएगा, वो भी आपको कुछ फिल नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो इन दोनों का टोटल है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर जो 17 नंबर का कॉलम है, मेन मुद्दा ये है यहाँ पर हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और हमें ये सब फिल करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, तो हम आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो भी मैट्रिक्स टेबल है वो लेके बैठिए, और उसके बाद में जो भी आपका 22 फरवरी 2019 का GR है, ये GR आप साथ में लेके बैठिए, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पर छठा आयोग का पे स्केल और ग्रेड पे दिया हुआ है, और इसको सातवां आयोग में कौन सा पे स्केल लागू है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी आगे, तो हम इसे मिनिमाइज कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट, तो 1 जनवरी 2016 को यहाँ पर जो आपका पहला बेसिक था वो आ गया ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर स्तर 10 है और लेवल 17, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये देखिए
यहाँ पर S10 लिखा हुआ है और लेवल 17 पे। तो यहाँ पर आप पे मैट्रिक्स टेबल में भी आपको मैं बता दूं, देखो यहाँ पर हम जब S10 में जाएंगे और यहाँ 17 में, तो यहाँ पर देखेंगे कि 46,800 लिखा है। ये हो गया आपका 1 जनवरी 2016 का बेसिक। अब उसके बाद में इस एम्प्लॉय को क्या हुआ है कि 5 महीने के बाद इसे वरिष्ठ वेतन लग गया 2 जून 2016 को। तो इसका जो ग्रेड पे था वो 2800 से बढ़कर 4200 पे आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 जून 2016 को इसे इंक्रीमेंट तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इसका जो लेवल है वो चेंज हो जाएगा। तो ये एम्प्लॉय S10 से S13 में आ जाएगा और यहाँ पर हम S13 में जाएंगे 4200 वाले ग्रेड पे पे और देखेंगे कि इसके आगे वाला फिगर कौन सा है 46,800 के। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे मैट्रिक्स टेबल पे और यहाँ पर S13 में आ जाएंगे। S13 में आने के बाद यहाँ पर आप देखिए, अब 46,800 के आगे का फिगर है 47,600 47,600 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये लेवल नंबर 11 पे है। तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे S13 लेवल 11 और 47,600 की इस ग्रेड वेतन को अब यह बेसिक लागू है, 4200 के ऊपर यह बेसिक लागू है। अब उसके बाद क्या करेंगे, 1 जुलाई 2016 को हम एक काल्पनिक वेतनवाट देंगे इसे। तो फिर से वेतनवाट देंगे लेकिन हम कहाँ पे देंगे, जो ये जूना वाला है S10 वाला उस पर देंगे, न कि इस पर S13 वाले पे। इस पर हमें उसको इंक्रीमेंट नहीं देना है क्योंकि 6 महीने से कम की अवधि हुई है उसे वरिष्ठ वेतन लग के, और इंक्रीमेंट के लिए 6 महीने आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर हम 1 जुलाई 2016 को काल्पनिक वेतन वार्ड देंगे, S10 लिखेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि 46,800 के आगे का फिगर कौन सा है। हम फिर से S10 में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 46,800 के आगे का फिगर है 48,200, वो हम यहाँ पे लिख देंगे 48,200। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1 जुलाई 2016 को हम फिर से उसे वरिष्ठ वेतन श्रेणी का जो भी बेसिक है वो देंगे। तो हम फिर से S13 में आ जाएंगे और S13 में आने के बाद 48,200 के आगे का फिगर कौन सा है वो देख लेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स टेबल में आ जाएंगे और 48,200 के आगे का फिगर S13 यहाँ पर है, आप देख लीजिए, और 48,200 के आगे का फिगर है मीन्स 49,000। तो हम यहाँ पर 49,000 लिखेंगे और ये लेवल 12 और स्तर 13। तो यहाँ पर S13 लिखेंगे और लेवल 12 लिखेंगे और यहाँ पर 49,000 लिख देंगे। इसी प्रकार से आपको 1 जुलाई 2017 1 जुलाई 2018 की बेसिक इसे देनी है। तो यहाँ पर तो सेम रहेगा S13 और यहाँ पर जो L12 है L13 L14 आपको लिखना है और 49,000 के आगे का फिगर कौन सा है वो आप देख लीजिए यहाँ पर 50,500 और 1 जुलाई 2018 का 52,000 और ये जो 53,600 है ये आपका 1 जुलाई 2019 का हो जाएगा जो अभी आएगा 2-3 महीने बाद। तो यहाँ पर देख लीजिए 50,500 और 52,000। ओके, तो जैसा कि आप यह पेज समझ ही गए होंगे कि हमें कैसे फिल करना है। और यहाँ पर वेतन वाणिज्य पुडिल दिनांक, तो आपको इसके 1 जुलाई 2018 के बाद आपको 1 जुलाई 2019 को नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा। और यहाँ पर जो एनी अदर इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पर फिल कर दीजिए, जानकारी की जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी है उनकी जानकारी के लिए कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्यों हुए हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर जो भी आपके मुख्याध्यापक या मुख्याध्यापिका है आप उनका यहाँ पर सिग्नेचर लीजिए। ओके, अब यहाँ पर विकल्प पे हम देखेंगे कि जो भी सब फिगर थे वो ऑटोमेटिक फिल हो गए, जो भी थे आवश्यक जगह अपने आप फिल हो गए। यहाँ पे नाम अपने आप फिल हो गया, उसका जो भी पद है वो अपने आप फिल हो गया, यहाँ पर उनका जो पे बैंड है अगर ये ऑटोमेटिक नहीं फिल होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और उसका जो 15,000 रुपया उस समय का PB था छठा वेतन का वो अपने आप फिल हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 15,000 है 2800 वो आप देख सकते हैं सब अपने आप फिल हो गया। यहाँ पर जो भी उसका स्तर है S10 था उस समय, ये देखिए वो भी अपने आप फिल हो गया है।
S10 और उस समय का जो बेसिक था एक एक 2016 का, वो भी अपने आप फील हो गया उसका, देख लीजिए ये वाला। ओके और यह इम्प्लॉई 1 जनवरी 2016 का विकल्प लेकर अपनी वेतन निश्चिति कराएगा। यह वेतन निश्चिति है। और यहाँ पर फिर आ जाएंगे वचन पत्र पे एनेक्सर 4, यहाँ पर भी देखेंगे कि जो भी सब डाटा है वो अपने आप फिल हो जाएगा। और यहाँ पर सेव करके आप इसकी प्रिंट निकाल के 4 कॉपी, एक कॉपी ऑफिस में रखिए, एक कॉपी अपने वेतन पत्र को दीजिए और 2 कॉपी लेखाधिकारी के पास दीजिए स्टैंपिंग के लिए। उसमें से एक कॉपी वो रख लेगा, एक कॉपी आपको स्टैंपिंग करके आपको वापस दे देगा। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि 1 जनवरी 2016 के बाद वरिष्ठ वेतन लगे हुए एम्प्लॉय के वेतन निश्चिति हम कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप को इस बारे में कोई शंका है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।